Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Welcome to my YouTube channel. Today in this video lecture, we will discuss lysosomes, structure of lysosomes and function of lysosomes. What are lysosomes? Lyso means splitting and soma means body. Living cells के अंदर ये ऐसे organelles होते हैं जो कि किसी मैक्रोमोलिक्यूल को स्प्लिट कर देते हैं या किसी सेल को स्प्लिट कर देते हैं या किसी ऑर्गेनिल को स्प्लिट करके उनको बिल्कुल सिंपल फॉर्म में उनको कन्वर्ट कर देते हैं या सिंपल मॉलिक्यूल्स में उनको कन्वर्ट कर देता है. तो इस तरह का जो ऑर्गेनिल है उसको हम लाइसोसोम कहते हैं. ऑल्दो दे आर सिंगल मेम्ब्रेनस, बिल्कुल सिंपल सा एक ऑर्गेनिल है जिसमें एक ही मेम्ब्रेन मौजूद होती है एंड देट इज स्फेरिकल वेजिकल, सिंपल स्फेरिकल वेजिकल है और उसके अंदर एक ही सिंगल मेम्ब्रेन मौजूद है. एंड दे कंटेन डाइजेस्टिव एंड हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स. हमने अभी बात की कि ये ब्रेक डाउन कर देता है किसी लार्ज या मैक्रोमोलिक्यूल या कम्प्लेक्स मोलिक्यूल को ये ब्रेक डाउन कर देता है, इसलिए इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं या हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स इसके अंदर मौजूद होते हैं. वेयर दीज लाइसोसोम्स आर फॉर्म्ड, दे आर मेड बाई रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. इस डायग्राम में देखें कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ लाइसोसोम्स. लाइसोसोम्स ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोड्यूस करता है. आफ्टर प्रोडक्शन ये फिर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होते हुए ये गोल्जी एपरेटस तक चले जाते हैं. यहाँ पे एक चीज़ है कि हमने बात की थी प्रीवियस लेक्चर्स में कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक सिस फेज होता है और एक ट्रांस फेज होता है. यहाँ पे जो लाइसोसोम्स हैं वो ट्रांस फेज वाली साइड से रिलीज हो जाते हैं, रिलीज होके गोल्जी एपरेटस के पास चले जाते हैं. ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होते हुए गोल्जी एपरेटस के पास चले जाएंगे और गोल्जी एपरेटस में लाइसोसोम्स की प्रोसेसिंग हो जाती है. आफ्टर देयर प्रोसेसिंग दे विल रिलीज, और जब ये रिलीज हो जाते हैं तो उस स्टेज पे इनको हम प्राइमरी लाइसोसोम्स कहते हैं. अभी इन्होंने कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं किया है बल्कि अभी अभी ये रिलीज हो चुके हैं, तो उस स्टेज पे हम इनको प्राइमरी लाइसोसोम्स कहते हैं. दे आर नोन एज प्राइमरी लाइसोसोम्स एंड दे कंटेन अबाउट 40 डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम्स. ऑब्वियसली इनके अंदर डिफरेंट किस्म के एंजाइम्स होंगे. ऐसे डिफरेंट किस्म के एंजाइम्स मतलब के जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं लिविंग सेल्स के अंदर जितने भी मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं उन सब को ब्रेक डाउन करने की इनके अंदर एबिलिटी होती है. इन केस ऑफ प्लांट्स ये कहते हैं कि प्लांट्स के अंदर जो लाइसोसोम्स का फंक्शन है वो कुछ स्पेसिफिक वेक्यूल्स होते हैं, वो लाइसोसोम्स का फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं. उनके पास ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, कुछ वेक्यूल्स के पास ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं जो कि लाइसोसोम्स का फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं. अभी हमने बात की थी कि इनिशियल स्टेजेस पे जो लाइसोसोम बनता है दैट इज नोन एज प्राइमरी लाइसोसोम. बिफोर स्टार्ट ऑफ देयर फंक्शन दे आर नोन एज प्राइमरी लाइसोसोम्स. आफ्टर देयर प्रोडक्शन दे विल फ्यूज विद सर्टेन टाइप ऑफ स्पेसिफिक बॉडीज लाइक एंडोसोम्स, फेगोसोम्स, ऑटोफेगोसोम्स एंड फूड वेक्यूल. इनमें से किसी एक के साथ भी जब वो फ्यूज कर जाते हैं प्राइमरी लाइसोसोम तब हम उनको सेकेंडरी लाइसोसोम्स कहते हैं. आफ्टर देयर फ्यूजन दे आर नोन एज सेकेंडरी लाइसोसोम्स. अब ये बॉडीज क्या चीज़ हैं कि दीज बॉडीज आर एक्चुअली प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग एंडोसोम इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग एंडोसाइटोसिस, फेगोसोम इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फेगोसाइटोसिस एंड ऑटोफेगोसोम इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग ऑटोफेगोसाइटोसिस. ये डिफरेंट पाथवेज हैं जिनके दौरान ये बॉडीज बन जाते हैं. तो इन स्पेसिफिक बॉडीज के साथ जाके प्राइमरी लाइसोसोम फ्यूज कर जाता है. आफ्टर फ्यूजन ये फिर सेकेंडरी लाइसोसोम में कन्वर्ट हो जाता है. अब ये सेकेंडरी लाइसोसोम फिर अपना स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करेगा. अपना स्पेसिफिक फंक्शन का मतलब ये है कि ये सेकेंडरी लाइसोसोम अब किसी मैक्रोमोलिक्यूल को ब्रेक डाउन करेगा या फिर हमारे बॉडी के अंदर या लिविंग सेल्स के बॉडी के अंदर ऐसे सेल्स भी होते हैं जिनकी ब्रेक डाउन होनी होती है, तो उन सेल्स को भी ये ब्रेक डाउन करेगा. या ऐसे ऑर्गेनिल्स भी होते हैं जिनको ब्रेक डाउन करने की जरूरत होती है
और ये कैसे ब्रेक डाउन कर देता है कि मैक्रो मॉलिक्यूल्स को ये ब्रेक डाउन करेगा इनटू सिंपल फॉर्म. फॉर एग्जांपल लिपिड्स हैं तो उनको ब्रेक डाउन करेगा, फैटी एसिड्स भी कन्वर्ट करेगा. अगर कोई कार्बोहाइड्रेट है तो उसको ब्रेक डाउन करके ये मोनोसेक्राइड्स में कन्वर्ट करेगा. और अगर कोई प्रोटीन है तो उसको ब्रेक डाउन करके ये सिंपल अमाइनो एसिड्स में ये कन्वर्ट कर देता है. देर आर थ्री मेजर टाइप्स ऑफ फंक्शन, थ्री मेजर फंक्शंस ऑफ लाइपोसोम्स. फर्स्ट इज इंट्रासेल्युलर डाइजेशन. मेजर जो रोल होगा इसका इंट्रासेल्युलर डाइजेशन के अंदर इसका बड़ा रोल है. ये कैसे इंट्रासेल्युलर डाइजेशन करता है, बल्कि आप इस डायग्राम को देखें. कोई भी फूड जब सेल के अंदर इंटर होना हो जाता है, या कोई भी सॉलिड पार्टिकल सेल के अंदर इंटर कैसे होता है कि ये फूड पार्टिकल या सॉलिड पार्टिकल सेल मेम्ब्रेन के साथ जाके उसके करीब जाके उसके साथ फ्यूज कर जाता है. और ये फ्यूजन से ये क्या होगा कि फूड, जो भी फूड जिस फूड ने भी इंटर होना है सेल के अंदर, उसके सराउंडिंग में ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसको कवर कर देता है. आफ्टर कवरिंग ये एक वेसिकल बनाता है एंड दिस पाथवे इज नोन एज फेगोसाइटोसिस. कोई भी सॉलिड पार्टिकल या कोई भी मटेरियल जो सेल के अंदर दाखिल होना चाहता है, वो इस तरह से आके वो सेल के साथ फ्यूज कर जाता है कि वो एक वेसिकल बनाता है. इस प्रोसेस को हम फेगोसाइटोसिस कहते हैं. फेगोसाइटोसिस के दौरान यहाँ पे देखें कि आफ्टर दिस वेसिकल फॉर्मेशन, इसको हम एक्चुअली फूड वैक्यूल कहते हैं. ऐसा वेसिकल जिसमें फूड होगा तो ऑब्वियसली उसको हम फूड वैक्यूल कहेंगे. अब इस फूड वैक्यूल की ब्रेक, सॉरी फूड वैक्यूल अब फ्यूज कर जाएगा प्राइमरी लाइसोसोम के साथ. अब ये जब प्राइमरी लाइसोसोम के साथ फ्यूज कर जाएगा तो ये फिर क्या कहलाएगा, सेकेंडरी लाइसोसोम. हम अब इसको कहेंगे सेकेंडरी लाइसोसोम. नाउ द सेकेंडरी लाइसोसोम इज रिस्पॉन्सिबल टू परफॉर्म इट्स फंक्शन. कैसे फंक्शन परफॉर्म करेगा ये, इसके अंदर जितने भी हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हैं वो इस फूड के जो पार्टिकल्स हैं उन सबको ब्रेक डाउन करेंगे. ब्रेक डाउन करके अभी मैंने बात की कि लिपिड्स हैं तो उनको फैटी एसिड्स में कन्वर्ट करेगा, कार्बोहाइड्रेट हैं तो उसको मोनोसेक्राइड्स में कन्वर्ट करेगा, प्रोटीन्स हैं तो उसको अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट करेगा. तो इसी तरह से ब्रेक डाउन करेगा. और ब्रेक डाउन करने के बाद जो है, जो वेस्ट सब्सटेंसेस बचते हैं वो फिर कंट्रैक्टाइल वैक्यूल, वो फिर एक वेसिकल में पैक हो जाते हैं जिसको हम कंट्रैक्टाइल वैक्यूल कहते हैं. आफ्टर ब्रेक डाउन ऑफ दिस मैक्रो मॉलिक्यूल, ये फिर फूड में ऑब्वियसली लिपिड्स हैं, प्रोटीन्स हैं और फिर कार्बोहाइड्रेट्स हैं, तो उन सबको जब लाइसोसोम ने ब्रेक डाउन कर दिया, सेकेंडरी लाइसोसोम ने जब ब्रेक डाउन कर दिया तो कुछ वेस्ट सब्सटेंसेस तो ऑब्वियसली बच जाएंगे. वो जो वेस्ट सब्सटेंसेस है वो फिर एक वेसिकल में ये पैक हो जाते हैं जिसको हम कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कहते हैं. इन दिस होल प्रोसेस इज नोन एज इंट्रासेलुलर डाइजेशन. इसको हम कहते हैं सेल के अंदर डाइजेशन हो गई है फूड की, क्योंकि फूड डायरेक्टली किसी सेल के अंदर इंटर हो गया है. और सेल के अंदर इंटर होने के बाद इसकी ब्रेक डाउन हुई है. पहले तो फूड वैक्यूल की फॉर्मेशन हुई, ये फूड वैक्यूल फिर प्राइमरी लाइसोसोम के साथ फ्यूज कर जाएगा, सेकेंडरी लाइसोसोम बनाएगा, सेकेंडरी लाइसोसोम फिर इस फूड को ब्रेक डाउन करेगा या इस फूड की डाइजेशन कर देगा, और वे सब्सटेंसेस को ये एक वेसिकल में पैक करेगा जिसको हमने कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कहा. तो इस होल प्रोसेस इज नोन एज इंट्रासेलुलर डाइजेशन. लाइसोसोम का एक मेजर फंक्शन इंट्रासेलुलर डाइजेशन भी है. एंड सेकेंड मेजर फंक्शन ऑफ लाइसोसोम इज ऑटोफेगी. ऑटोफेगी कौन सा प्रोसेस है, कि ऑटोफेगी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें अगर किसी सेल के अंदर कोई ऑर्गेनिल जिसकी ब्रेक डाउन होनी होती है तो वो जाके ऑटोफेगोसोम बनाता है. सपोज इस एग्जांपल में देखें कि सेल के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अभी नीड नहीं है, उसको ब्रेक डाउन करना है. माइटोकॉन्ड्रिया की अभी नीड नहीं है, उसको ब्रेक डाउन करना है. तो ये दोनों ऑर्गेनिल्स मिल जाएंगे, मिलके ऑटोफेगोसोम बनाएंगे. दिस ऑटोफेगोसोम विल नाउ फ्यूज विद प्राइमरी लाइसोसोम. प्राइमरी लाइसोसोम के साथ ये फ्यूज कर जाएंगे एंड इट विल फॉर्म सेकेंडरी लाइसोसोम. अब ये सेकेंडरी लाइसोसोम फिर क्या करेगा, इसके अंदर जितने भी
जितने भी मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं जो कि इस ईआर और माइटोकॉन्ड्रिया के जो का जो हिस्सा है उसको ब्रेक डाउन करेगा. मैक्रो मॉलिक्यूल्स ईआर के भी मैक्रो मॉलिक्यूल्स और माइटोकॉन्ड्रिया के भी मैक्रो मॉलिक्यूल्स की ब्रेक डाउन हो जाएगी और ये सिंपल फैटी एसिड्स, मोनोसेक्राइड्स और अमाइनो एसिड्स में ये कन्वर्ट हो जाएंगे. इस प्रोसेस को सेल्फ ईटिंग भी कहा जाता है. सेल्फ ईटिंग का मतलब क्या है कि एक लाइसोसोम एक सेल के अंदर, वो अपने सेल के अंदर, जिस सेल के अंदर वो मौजूद है उसी सेल के अंदर के जो ऑर्गेनेल्स को ब्रेक डाउन कर देता है, ब्रेक डाउन करके उसको ऑटोफेगोसाइटोसिस का जो प्रोसेस है उसके थ्रू ब्रेक डाउन कर देता है. तो इस होल प्रोसेस को हम कहते हैं ऑटोफेगोसाइटोसिस. और इस ऑटोफेगोसाइटोसिस कहते हैं कि सेल के अंदर दो कंडीशंस पे होती है. या सेल के अंदर अगर सपोज स्टार्वेशन का पीरियड आता है कि सेल के अंदर ऑब्वियसली सेल को कॉन्टिन्यूसली एनर्जी की ज़रूरत होती है, न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, कि अगर बाहर से न्यूट्रिएंट्स अगर सेल को नहीं मिल रहे हैं तो आखिरी ऑप्शन सेल के पास क्या होता है कि वो अपने सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं उसमें से एक एक करके उस ऑर्गेनेल को ब्रेक डाउन करके वहाँ से न्यूट्रिएंट्स ऑब्टेन करने की कोशिश करते हैं. तो अंडर स्टार्वेशन कंडीशंस वो अपने उसी सेल के ही ऑर्गेनेल्स को ब्रेक डाउन करके वहाँ से ये न्यूट्रिएंट्स ऑब्टेन कर रहे होते हैं. स्टार्वेशन कंडीशंस पे ये हो सकता है. या फिर सेकंड कंडीशन ये भी कहा जाता है कि सपोज एक इंडिविजुअल है जो कि हैवी एक्सरसाइज कर रहा है, हैवी एक्सरसाइज के दौरान नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इंक्रीज हो जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया की नंबर मसल सेल्स में इंक्रीज हो जाता है. क्यों इंक्रीज हो जाता है? क्योंकि कॉन्टिन्यूसली उसको एनर्जी या एटीपीज की नीड होती है. मैक्सिमम एटीपीज को ये अटेन करने के लिए क्या करेगा कि नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया बढ़ाएगा, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है एटीपीज की सिंथेसिस कर देता है. तो मैक्सिमम एटीपी सिंथेसिस की नीड होती है, इसलिए ये नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इंक्रीज हो जाते हैं मसल सेल्स में. और जब एक्सरसाइज करना वो बंद करेगा, छोड़ देगा, तो उसके बाद फिर क्या होगा कि इन माइटोकॉन्ड्रिया को ब्रेक डाउन करने की ज़रूरत होगी. तो ब्रेक डाउन कैसे होगा? इन्हीं लाइसोसोम्स की मदद से, थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑटोफेगोसाइटोसिस ये प्रोसेस होगा और फिर इनकी ब्रेक डाउन होगी. हमने प्रीवियसली बात की थी कि एंडोसोम्स के साथ भी प्राइमरी लाइसोसोम जाके फ्यूज़ हो जाता है और फिर फेगोसोम्स के साथ भी ये फ्यूज़ कर जाता है. तो एंडोसाइटोसिस का प्रोसेस इस तरह से होगा. एंडोसाइटोसिस, कोई भी पार्टिकल सेल के अंदर जब दाखिल होगा तो वो अर्ली एंडोसोम बनाएगा. ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है इस पार्टिकल को कवर कर देता है, एक वेसिकल बनाता है जिसको हम अर्ली एंडोसोम कहते हैं. उसके बाद फिर ये लेट एंडोसोम में कन्वर्ट हो जाता है. ये फिर जाके प्राइमरी लाइसोसोम के साथ फ्यूज कर जाता है, अगेन सेकेंडरी लाइसोसोम बनेगा और इसके अंदर जितने भी मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं उनको ये ब्रेक डाउन करेगा. जितने भी पार्टिकल्स हैं उन सब की ब्रेक डाउन हो जाएगी यहाँ पे. एंड वी हैव अनदर फेगोसाइटोसिस जिसमें कोई भी हमारा जो या लिविंग सेल्स का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके करीब कोई बैक्टीरिया या वायरस आ जाता है, वो इंटर होने की कोशिश करता है, तो अगेन यहाँ पे फेगोसोम बनता है. ये उस वायरस या बैक्टीरिया को सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसको कवर कर देता है और एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम फेगोसोम कहते हैं. ये फेगोसोम अगेन प्राइमरी लाइसोसोम के साथ फ्यूज कर जाएगा और फिर यहाँ पे सेकेंडरी लाइसोसोम की फॉर्मेशन हो जाएगी. एंड थर्ड मेजर फंक्शन ऑफ लाइसोसोम इज ऑटोलाइसिस. व्हाट इज ऑटोलाइसिस? कहते हैं कि ड्यूरिंग डेवलपमेंटल स्टेजेस हमारे बॉडी के अंदर या लिविंग सेल्स के बॉडी के अंदर जो है वो कमिटेड सेल डेथ की नीड होती है, कि कुछ सेल्स की ब्रेक डाउन करने की ज़रूरत होती है. तो उस दौरान क्या होगा कि प्रोग्राम्ड सेल डेथ होगा. प्रोग्राम्ड सेल डेथ कैसे होगा कि ये लाइसोसोम क्या करता है, वो ब्रस्ट कर जाता है और उसके अपने जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हैं वो सारे सेल में रिलीज हो जाते हैं. एज ए रिजल्ट क्या होगा कि उस सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं उनकी ब्रेक डाउन होगी, माइटोकॉन्ड्रिया ब्रेक डाउन होगा, राइबोसोम, जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं इंक्लूडिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन,
सारा कुछ ब्रेक डाउन हो जाएगा और सिंपल सिंपलर मॉलिक्यूल्स जो है वहाँ पे बन जाएंगे, फैटी एसिड्स बनेंगे, अमीनो एसिड्स वगैरह बनेंगे। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है ऑटोलाइसिस। ऑटो मीन्स सेल्फ, लाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन, सेल्स की खुद ब्रेक डाउन हो गई लाइसोसोम की मदद से, लाइसोसोम खुद भी ख़त्म हो जाता है, पूरा सेल भी ख़त्म हो जाता है। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है ऑटोलाइसिस। ऑटोलाइसिस का भी प्रोसेस लाइसोसोम्स परफॉर्म कर रहा होता है। एंड इस पूरे प्रोसेस को, प्रोसेस में जो है ये लाइसोसोम एज ए सुसाइडल बेग काम कर रहा है, इसकी वजह से सुसाइड हो रही है सेल की, तो इसलिए इन लाइसोसोम्स को सुसाइडल बेग्स भी कहा जाता है। अब हमने बात की कि लाइसोसोम्स के अंदर डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं डिफरेंट सब्सटेंसेस की ब्रेकडाउन के लिए। इन केस अगर पर्टिकुलर लाइसोसोमल एंजाइम मिसिंग होता है किसी बंदे के अंदर, तो एज रिजल्ट क्या होगा कि वो स्पेसिफिक सब्सटेंस जिसको वो ब्रेक डाउन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। जब जाहिर एंजाइम ही मिसिंग होगा तो वो सब्सटेंस ऑब्वियसली डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा, वहाँ पे जमा होना शुरू हो जाएगा। इस टाइप के कॉम्प्लिकेशंस अगर किसी बंदे के अंदर होते हैं जिस बंदे के अंदर ये इंडिविजुअल एंजाइम या स्पेसिफिक टाइप का एंजाइम मिसिंग होता है, इससे जो कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं उनको हम लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीजेस कहते हैं। और ये डिजीजेस हेरिडिट्री भी हो सकते हैं या कंजेनेटल भी हो सकते हैं। हेरिडिट्री में वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में पास हो जाते हैं, फिर वहाँ से नेक्स्ट जनरेशन में ये पास होते रहते हैं, या फिर पैदाइशी तौर पे भी हो सकते हैं ये। और कहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा सीवियर तब होते हैं कि जब चाइल्डहुड का जो एज होता है, अर्ली चाइल्डहुड में ये डेथ कॉजिंग भी हो सकते हैं। एंड अबाउट मोर देन 20 सच टाइप ऑफ डिजीजेस हैव बीन डिस्कवर्ड सो फार। अभी तक 20 टाइप्स के डिजीजेस का पता चल गया है। उनमें से एक बेस्ट एग्जाम्पल हमारे पास टेसज डिजीज है। टेसज डिजीज एक ऐसा डिजीज है जिसमें लिपिड डाइजेस्टिंग एंजाइम मिसिंग होता है लाइसोसोम्स के अंदर, जिसकी वजह से ऑब्वियसली लिपिड डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा और ब्रेन सेल्स में कहते हैं कि ये डिपॉजिट हो जाता है। और ब्रेन सेल्स के अंदर ये जब डिपॉजिट होगा तो ये ब्रेन सेल्स को इनएक्टिव कर देते हैं या उनको नॉन फंक्शनल बना देते हैं। जब ब्रेन नॉन फंक्शनल होगा तो ऑब्वियसली क्या होगा कि इससे ब्रेन की जो इम्पेयरमेंट है उससे इवन डेथ भी कॉज हो सकता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।